रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा हाशमी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 13 है जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियसली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें इसे मुकम्मल तैयार इसलिए करना होगा क्योंकि हो सकता है नई पेयरिंग के हवाले से ये लॉन्ग में इंक्लूड ना कर दिया जाए, तो इसलिए हम इसे दोनों तरह से लेके चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ, और साथ साथ इसके अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग में बनता होगा तो वो भी आपको बताते चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के चैप्टर का आगाज करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, और इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका नोमेनक्लेचर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो टॉपिक है या चैप्टर का नाम उसका है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे जो पहली बात स्टूडेंट्स हमारे माइंड में आती है वो यकीनन यही है कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी पहला सवाल यही है कि व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप पाए जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, ये स्टूडेंट आपके सामने C डबल बॉन्ड O और साथ OH। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये नाम इसे क्यों दिया गया, ये कार्बोक्साइल हम इसे क्यों कहते हैं, दो चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। स्टूडेंट्स, कार्ब यानी कि ये दो लफ्ज है, कार्बोक्साइल, कार्ब रिप्रेजेंट करता है द कार्बोनाइल कार्बन, यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय कार्ब, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्साइल। इट्स मीन दैट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप कंटेन साइमल्टेनियसली टू फंक्शनल ग्रुप इन इट, वन इज द कार्बोनाइल कार्बन that is carbonyl group and second one is the hydroxyl group, so that's why collectively it is known as carboxyl। but students, ये बात आप याद रखिएगा कि आपको पता है कि carboxyl group की अलग properties होती हैं, hydroxyl group की अलग properties होती हैं, ये दोनों group आपस में interact करके carboxylic acid में नई properties जो है वो देते हैं हमें, इनकी प्रॉपर्टी यूनिक होती है जो कार्बोक्साइल या सिर्फ कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल के कंपाउंड से मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब इसलिए मैंने ये वर्ड लिखे हैं कि इट हैज, दे हैव कलेक्टिवली यूनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी स्टूडेंट्स वो ना कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी होंगी ना अल्कोहल जैसी होंगी, बल्कि वो दोनों से डिफरेंट होंगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमें बात समझ आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बेटे, ये एंटी टेस्ट में एमसीक्यू भी इस तरह से पूछा जाता है जैसे मैं आपको बताने लगा हूं कि व्हेन वी पुट टू इनटू द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देन व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। मैं पहले जनरल फार्मूला बताता चलूं, CnH2n+1 और C डबल O into H। अब फ्रेंड्स, बात ये है कि ये इसका जनरल फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए। वो कहता है इफ वी पुट टू, पहले मैं वन पुट करूं, जब मैंने वन पुट किया तो यहां पे C वन आ गया, H टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री आ गया, ये सी एच थ्री बन गया C डबल। इसका मतलब है जब मैंने N वन पुट किया तो दो कार्बन वाला एसिड यानी एथेनोइक एसिड बना, और अगर मैं N टू पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट विल बी द प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फार्मूला के अंदर अगर हम N1 पुट करेंगे तो एसिड 2 कार्बन वाला बनेगा, अगर हम N
3 पुट करेंगे तो एसिड 4 कार्बन वाला बनेगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और एक और अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट, ये हमारे एनुअल पेपर के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फर्क कीजिए, डिफरेंस बताइए। तो ये बेटे मैंने दोनों की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल लिखी हुई हैं ताकि हम इसको आसानी से जो है वो पिक कर सकें और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच आर ग्रुप हैज ओपन चेन, यानी कि स्टूडेंट्स देखिए कि अगर यहां पर ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो सब में होगा, ये कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल ग्रुप तो सब में होगा, लेकिन ये आर जो है वो डिफरेंट होगा। अगर ये आर ओपन चेन है जैसे ये इथाइल है तो यकीनन ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्मिक एसिड है, ये हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है, इसी तरह ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, आगे चलते जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि बेटे इन विच आर ग्रुप हैज ओपन चेन आर नोन एज एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आर ग्रुप जो है वो ओपन चेन है वो बेटे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने नोट करना है अपने पास। मेरे बेटे ये तीनों एसिड जो हैं इनके नाम आपको मैंने लिखे हैं, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे एनुअल पेपर में क्वेश्चन इस तरह बनता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग एसिड। ये हमारे पास मेलोनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड है और ये ऑक्सैलिक एसिड है। ये हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेकिन एलिफैटिक हैं, इनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एक नहीं है, इनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप दो है और ये इनके जनरल नेम है, ये बात भी ध्यान में रखिए, आईयूपीएसी नहीं जनरल नेम। तो इसलिए हमें इनके नाम से इनको याद, इनके स्ट्रक्चर को याद रखना होगा। ऑक्सैलिक एसिड में दो स्टूडेंट्स कार्बन है हमारे पास, इसी तरह 1, 2, 3 कार्बन है मेलोनिक एसिड में, 1, 2, 3, 4 कार्बन है हमारे पास सक्सिनिक एसिड में। तो ये आपने इनको माइंड में रखना है कि हमारे पास जो है इनका नाम अगर हमें आ जाए और हमें इनका स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो हम आसानी से बना रहे हैं। तो ये हमारे पास पहली टाइप के जो एसिड थे स्टूडेंट्स, जिनको हमने क्या बोला, दीज एसिड वर एक्चुअली नोन एज, दीज एसिड वर कॉल्ड एज एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है, दूसरा पार्ट है, उसमें हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। वो कहता है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच आर ग्रुप इज बेंजीन रिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर बेटे कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारे पास क्या लगा है, जो आर है तो ये भी अल्काइल, लेकिन अल्काइल ओपन चेन वाला नहीं है, ये एराइल बन गया, आप ये कह लेंगे ये क्लोज चेन है, ये बेंजीन है, यानी अगर यहां बेंजीन लगा होगा स्टूडेंट्स तो तब जो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे या तब जो उनकी टाइप बनेगी वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड है, इसी तरह ये सिलिसाइलिक एसिड है, ये भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां पर जो मैंने ये लिखा आपके सामने ये तीन एसिड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, जो हमें माइंड में रखने हैं कि बेंजोइक एसिड है, सिलिसाइलिक एसिड है, पैथैलिक एसिड है, इनके नाम हमें बताए जाए, हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ये दो आप देख सकते हैं ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम आगे आईयूपीएसी भी देखेंगे हम। तो ये स्टूडेंट्स दूसरी टाइप होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की और वो कौन सी थी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्क क्या है कि उधर आर ओपन चेन है और इधर आर बेंजीन रिंग है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एक और टाइप के एसिड जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कौन से हैं। तो जरा तवज्जो कीजिए बेटे, वो कहता है द कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच आर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आर जो है वो ये नहीं कि 2, 3, 4 कार्बन रखता है बल्कि उस आर में लॉन्ग चेन होगी, ओपन चेन की लॉन्ग चेन कंपाउंड रखता होगा, वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा, इसीलिए हम उन्हें फैटी एसिड कहते हैं स्टूडेंट्स। ये आप देख सकते हैं पाल्मिटिक एसिड है, ये स्टीरिक एसिड है, ये ओलिक एसिड है, ये लिनोलिक एसिड है, ये स्टूडेंट सारे के सारे एसिड जो हैं इन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं।
क्यों कि फैटी एसिड में ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये अल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन रखता है, आप देख रहे हैं 17 और फिर यकीनन ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं और ये अनसैचुरेटेड भी फैट भी हो सकता है, यानी दे कैन बी आइदर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैट या ये प्रेजेंट हो सकते हैं किसकी फॉर्म में, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, क्योंकि आपको याद होगा हाइड्रोजनेशन में भी पढ़ा था हमने कि बेसिकली जो फैट्स होते हैं और जो ऑयल होते हैं, ऑयल को फैट में या फैट को ऑयल में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी थर्ड टाइप है। अब हम चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर जी। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नोमेनक्लेचर की तरफ और ये देखते हैं कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नेम किस तरह देते हैं, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट ये हमारा पॉइंट होगा, इसको आपने बड़ी तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट जिसको हम कह रहे हैं कि हमेशा हर नोमेनक्लेचर से पहले हम डिस्कस करते हैं वो कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के वो हमारे पास जो है वो कॉमन नेम्स हुआ करते हैं। तो चलिए पहले हम इनके कॉमन नेम्स देखते हैं। पहले हमारे पास देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, आपको याद होगा फॉर्मिका जो हमारे पास ये ग्रीक या लैटिन वर्ड से ड्राइव होते हैं, बेसिकली इनका जो सोर्स है जहां से ये आइसोलेट किए गए, ये जहां से ये ड्राइव होते हैं उनके नाम से इनके नाम मंसूब किए गए। तो ये फॉर्मिका ये आर्ट पाइट से लिया गया सबसे पहले, इसलिए हम इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये एसिटम यानी कि विनेगर जिसे हम कहते हैं सिरका, उससे ड्राइव किया गया इसलिए हम इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। ये ब्यूटेरिक एसिड बटर मक्खन जिसे कहते हैं ब्यूटेरिक, इसलिए हम ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास वैलेरिक एसिड है, ये आपने इसके नाम ध्यान में रखने। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कैप्रोइक एसिड है, यानी कि ये पांच हमारे पास जो कार्बन है आप देख सकते हैं वैलेरिक एसिड में आप 1 2 3 4 5 है, कैप्रोइक एसिड में आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। ये बेटे हमारे पास जो है बेसिकली क्या है, ये इनके कॉमन नेम्स हैं जो हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से कॉमन नेम के साथ साथ हमने बात जो इंपॉर्टेंट बात हमारी है वो इनके आयुपैक नेम्स होंगे। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आयुपैक नेम्स ऑफ अल्कानोइक एसिड्स। तो ये अल्कानोइक एसिड यकीनन क्यों कहा, क्योंकि हम क्या करेंगे बेटे इनके जितने भी आयुपैक नेम्स होंगे हम अल्केन के ई को रिप्लेस कर रहे होंगे, अल्केन के ई को रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ, ओएक के वर्ड के साथ, यानी सुफिक्स चेंज कर देंगे किससे, ई विल बी चेंज्ड बाय ओएक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओएक रिप्रेजेंट करेगा एसिड को और ये ई जो है बेटे हमारे पास जो है वो अल्केन का ई जो है वो हटाकर ओएक लगा देंगे। तो चलिए अब हम नाम देना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखिए ये हमारे पास बेटे एक चेन है, इस चेन में एक बात आपके लिए बड़ी आसान है कि चेन सिलेक्शन में आपने कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है यकीनन, और वो हमेशा एट द एंड ऑफ चेन आपको कहीं मिलेगा, इसका मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ इंटू ओ एच, ये आपका पहला कार्बन नंबर वन है, फिर कार्बन नंबर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, क्या बन गए हमारे पास चार कार्बन है और ये एसिड है, नाम क्या हो ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से आप देखिए ये हमारे पास दोबारा चार कार्बन, ये स्टूडेंट्स 2005 में ये लाहौर बोर्ड के अंदर ये इसका स्ट्रक्चर आया था, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2005 में लाहौर बोर्ड के अंदर ये आ चुका है और ये शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका है। इसमें उसने कहा कि आप क्या करें कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-methylbutanoic एसिड, तो ये बेटे आपने माइंड में रखना है। तो देखिए 2-methylbutanoic एसिड में हमारे पास 1 2 3 4, अब ये बेटे 2 क्या है सब्सिट्यूएंट है ब्रांच है, तो हम आप जानते हैं कि सब्सिट्यूएंट या ब्रांच को हमेशा नंबर 1 देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 पर क्या लगा है स्टूडेंट मिथाइल 2-methyl और फिर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा ये ब्यूटानोइक एसिड, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 2-methylbutanoic एसिड। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पेंटानोइक एसिड क्या है जरा देखिए, इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आ गया, इसमें जरा डिफरेंस लाया हूं मैं ताकि बात आपको समझा सकूं, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं किया,
यकीनन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। स्टेबिलिटी के लिहाज से आपको याद होगा प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले था, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर एक फंक्शनल ग्रुप है। 3 पेंटेन ने लिखा, टी ए एन ने लिखा, 3 पेंटीन और ई क्योंकि हमने हटाया हुआ है, 3 पेंटीन ओए के से, 3 पेंटीन ओए के से। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम यहां पर ई ए की बजाय ई लिखेंगे, ए की बजाय ई लिखेंगे और बाकी एसिड ओए का लफ्ज वैसे ही आ जाए। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई और भी सपोज अगर आप कहते हैं कि कोई और फंक्शन को पा जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे अगर डबल बॉन्ड को रिमूव करके OH लगा दूं, अब आप देखिएगा अब इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 4 हाइड्रोक्सी और 4 के का कितने कार्बन बेटे, 5 पेंटानोइक एसिड। तो इस तरह से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा लेकिन हमने नंबरिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर दी है। बात क्लियर होगी जी। अब हम आगे चलते हैं, अब कुछ नाम मैंने लिए हैं कि जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके हवाले से भी जरा बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये बेटे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें बेंजीन रिंग है, साथ सी डबल एच है और ये OH है। तो आपको याद होगा हमने सी डबल एच को यकीनन हम प्रेफर करेंगे, तो ये नंबर 1 है, 2 है, फिर ये बेटे इसी तरह नंबरिंग स्टार्ट हमने मुकम्मल की। 2 पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी लगा है इसलिए हमने स्टूडेंट्स क्या कहा इसे 2 हाइड्रोक्सी और ये क्या है पेरेंट नेम इसका बेंजोइक एसिड, तो इसका मतलब है दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी नोमेनक्लेचर के हिसाब से IUPAC नेम्स दे सकते हैं। इस तरह से एक और पॉइंट जो रह गया जो मैं बड़ी डिटेल से ये चीजें सारी बता रहा हूं ताकि कोई पॉइंट इसमें मिस ना हो जाए, इसलिए आज का लेक्चर मैंने इसको यहां तक कंटेन किया है कि आपको नोमेनक्लेचर पर मैं चाहता हूं कि ग्रिप हासिल हो जाए। इस तरह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्टूडेंट्स होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मतलब कि जिनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा 2 होंगे, डाई से मुराद 2। जिसका मतलब जरा देखिए अब आपके पास ये क्या है 1 2 2 कार्बन है इथेन और साथ में कितने एसिड हैं डाई ओइक एसिड, इथेन डाई ओइक एसिड। अब ये देखिए ये क्या है 4 कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। इसी तरह आप ये देखिए पेंटेन डाई ओइक एसिड, ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, और ब्यूटेनिक एसिड और आइडोपिक एसिड, ये दोनों का बेटे आपको स्ट्रक्चर ये नहीं कि कॉमन नेम स्ट्रक्चर के तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट। इस तरह ये वैलेरिक एसिड ये हमारी एक्सरसाइज में भी है, ये भी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इथेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, यानी कि जो इसका सुफिक्स है ना OH, उससे पहले जितने भी हमारे पास एसिड ग्रुप मौजूद है, 1 है 2 है, उसको हम उससे पहले लिखेंगे, यानी डाइओइक भी हो सकता है, ट्राइओइक एसिड भी हो सकता है और डिफरेंट एसिड भी इसमें OH की तादाद हो सकती है। तो ये 2 मैंने कहा, दोनों के स्ट्रक्चर आपने माइंड में रखने, ग्लूटेरिक एसिड आइडोपिक एसिड। आइडोपिक एसिड क्या होता है 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसे हेक्सेन डाइओइक एसिड भी कहते हैं, हेक्सेन डाइओइक एसिड। और जो पेंटेन डाइओइक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लूटेरिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा नोमेनक्लेचर था, इसमें हमने ये सीखा कि नंबरिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा, सब्सिक्वेंट पहले आएगा फिर पेरेंट नेम, और अगर बेंजीन के साथ होगा तो यकीनन हम उसको भी IUPAC नेम के साथ से नाम देंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो जितने कार्बन है वो अल्केन पहले और अल्का डायोइक एसिड जो है वो उनके नाम इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।